Naraz kal. Naraz bolo mere kai sab takin. मेरा काम है, आपका नहीं काम है। ये जब एंड पार्ट होगा, ये है कालबेरियन डांसर। ये सब यहाँ पे करोगे? पहले बात तुम होगा, ये मैं पानी पीऊंगा भैया, मुझे नहीं मालूम है। अब की बार जाके दो बोतल लेके आ दो। नाम तो जान ही लिया होगा आप सबने, तो ये कालबेलियन डांसर आप यहीं से हो? नहीं, हम जोधपुर से। आप चारों जोधपुर से? ये चारों जोधपुर से हैं, उनके इंचार्ज उनके साथ हैं। तो ये यहाँ पर जैसलमेर में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होने वाला है उनमें ये अपना हिस्सेदारी निभाने आए हैं चारों। सुशीला, आरती और शारदा और एक और सुशीला, आरती और शारदा सनीला, ये सभी अपना हिस्सेदारी निभाने आए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होने वाला है यहाँ पर, उसमें डांस करेगी कालबेलियन डांस। थोड़ा इधर आ जाते हैं, कालबेलियन डांस करेंगे, आप भी आ जाएंगे। ये सब कालबेलियन डांसर है, आप देख सकते हो सभी कालबेलियन डांस करते हैं। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी? हम बचपन से ही। मतलब आपको याद होगा जब, कब से, कितने साल से आप? कितने साल हो गए? मैं जब 5 साल की थी तब से करूँ। ये 5 साल के थे जब से, मतलब इनको स्टार्टिंग ही कालबेलियन डांस से होता है। आपके घर पे भी सभी परंपरा है? आप आदिवासी इलाके से? बिल्कुल नहीं, जोधपुर सिटी से ही। करेक्ट, सिटी से ही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। और आप यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा। चलते हैं, ये हटाना ही पड़ेगा। आप कालबेलियन डांसर हो, आप इनके इंचार्ज हो, आपका नाम? खातू सपेरा। हाँ, खातू सपेरा। खातू सपेरा, आपका नाम? सुशीला। सुशीला, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सुशीला। सुशीला, आपका नाम? शारदा। शारदा, आपका? आरती। आपका? सुनीता सपेरा। आप? आप आ जाओ, इधर आ जाओ। आप चार कालबेलियन डांसर हो? हाँ, ठीक। कालबेलियन डांसर जो होते हैं वो एकदम नागिन डांस करते हैं। नागिन डांस एकदम का पूरा नागिन डांस, ऐसे आप देख सकते हैं, नागिन डांस पूरा नागिन डांस होता है। पूरा नागिन डांस होता है, नागिन डांस ही सीखते हैं अपने बचपन से ही। पूरा नागिन डांस जन्म से ही करते हैं, जब जन्म होता है तभी भी नागिन की तरह ही करते हैं। नागिन ही है ये, अपने आप को पूरा नागिन ही मानते हैं। माना जाए तो एक तरफ ये अपने आप को पूरा नागिन ही मानते हैं। यहाँ पर चार कालबेलियन डांसर आई हुई है, और भी आने वाली है। और भी बहुत गर्मी हो रही है तो यहाँ पर नहीं है, शाम होते होते जब बहुत ठंडे हो जाएंगे रेत के झोरे, तो सभी कालबेलियन डांसर। कितने कालबेलियन डांसर आ जाएंगे? 300। 300 आपकी तरफ?
इनकी तरह 300 कालबिलियन डांसर होंगे यहाँ पर, सबसे ज्यादा मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि 300 कालबिलियन डांसर यहाँ पर, पहली बार यहाँ पर हो रहा है जैसलमेर में सम के धोरों के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पर सिंगर 1000+ होंगे और कालबिलियन डांसर 300 प्लस होंगे, 300 प्लस बहुत ज्यादा होते हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा होने वाली, अभी तो बहुत कम लग रही है, हजारों में संख्या अभी भी है पर अभी बहुत कम है, जैसे देखा जाए उस हिसाब से बहुत ही कम है, तो अभी शाम होते होते 6 बजे के आसपास ही बहुत सारे डांसर यहाँ पर आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीखा पाप सिंह, हड़ताल बताते हैं, ये हड़ताल बजाते हैं मिश्री खान, बहुत अच्छा, और भी आपको मिलाना चाहेंगे, यहाँ पर सब सेट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे ऊंट के ऊपर सवारी कर रहे हैं लोग, और सभी कालबेलियन डांसर यहाँ पर है, सभी कालबेलियन डांसर अभी अपने मन मस्ती में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, हम भी देखते हैं क्या क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है वो आपको आगे दिखाते हैं वीडियो के अंदर, और वीडियो के साथ बने रहे, लाइक शेयर जरूर करें, ये फर्स्ट पार्ट हो सकता है आप सेकेंड पार्ट में जरूर जाए और सेकंड पार्ट देखे। मेरा काम है, आपका नहीं काम है, जब एंड पार्ट होगा। ये है कालबेलियन डांसर, ये सब यहाँ पे करोगे? हेलो, तुम होगा, ये इनका नाम, मैं पानी पीऊंगा भैया, मुझे नहीं मालूम है, अब की बार जाके दो बोतल लेके आ दो, नाम तो जान ही लिया होगा आप सबने, तो ये कालबेलियन डांसर आप यहीं से हो? नहीं, हम जोधपुर से। आप चारों जोधपुर से? ये चारों जोधपुर से हैं, उनके इंचार्ज उनके साथ हैं, तो ये यहाँ पर जैसलमेर में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होने वाला है उनमें ये अपना हिस्सेदारी निभाने आए हैं, सुशीला आरती और शारदा, और एक और सुशीला आरती और शारदा सनीला, ये सभी अपना हिस्सेदारी निभाने आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होने वाला है यहाँ पर, उसमें डांस करेगी कालबेलियन डांस, थोड़ा इधर आ जाते हैं, कालबेलियन डांस करेंगे, आप भी आ जाएंगे, ये सब कालबेलियन डांसर है, आप देख सकते हो सभी कालबेलियन डांस करते हैं। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी? हम बचपन से ही। बचपन से ही, मतलब आपको याद होगा जब, कब से, कितने साल से, आप कितने साल हो गए? मैं जब 5 साल की थी तब से करूँगी। ये 5 साल के थे जब से, मतलब इनको स्टार्टिंग ही कालबेलियन डांस से होता है, आपके घर पे भी सभी काल, हमारी परंपरा है। आप आदिवासी इलाके से? नहीं, बिल्कुल नहीं, जोधपुर सिटी से, करेक्ट सिटी से ही। अच्छा, बहुत अच्छे, और आप यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया। आप तो सेकंड पार्ट में आपको बताना चाहूंगा, लीला कालबेलियन जो है, आप लीला कालबेलियन जो फेमस हुई थी उनको जानते हो? नहीं, लीला कालबेलियन भी यहीं के थे ना? वो यहाँ की नहीं, वो बाहर की है, वो राजस्थान, राजस्थान में जोधपुर में बुलबुल सपे रही है, बुलबुल डांस करती है, लीला कालबेलियन जो मोहब्बत लगाई उस पे डांस किया था, वो लीला कालबेलियन इनसे अलग है। सॉरी, डीजे वाला सॉन्ग होता है ना, वो डीजे वाले सॉन्ग भी लीला कालबेलियन करती, पर कपड़े तो आपके जैसे ही कपड़े पहनने से कोई नहीं, मतलब वो पहना आपके, तो लीला कालबेलियन भी इनके जैसा ही मतलब पहनावा करती है, पर डांस उनका बहुत अलग है, डांस इनसे बहुत अलग है और इनका भी उनसे बहुत अलग है। ये नागिन डांस करती है, वो डीजे पे डांस करती है, उनका डांस अलग है, इनका डांस अलग है, ये नागिन डांस करती है, वो डीजे डांस। ये हम आपको मिलाना चाहेंगे इनके मैनेजर से, आप इनकी बुकिंग करते हो? बुकिंग नहीं करती, शादी पार्टियों में मतलब नहीं होता इनका डांस?
आउट ऑफ इंडिया में इनका कार्यक्रम बहुत ज्यादा होता है। आउट ऑफ डांस टीचर है, आप अगर सीखना चाहो तो उनके आप सिखा दोगे, जो देख रहे हैं अगर आपसे कांटेक्ट करे तो सिखा दोगे, आप इनसे कांटेक्ट करे तो ये इनको आपको नागिन डांस सिखा देंगे। बहुत नागिन डांस की टीचर है, आप मान सकते हो टीचर। आप जोधपुर से हो, आप जोधपुर में इनसे मिल सकते हो। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही तो ज्यादा शोर हो रहा है। ये हटाना ही पड़ेगा, आप कालबेलियन डांसर हो, आप इनके इंचार्ज हो। आपका नाम? खातू सपेरा। हाँ, खातू सपेरा। खातू सपेरा। आपका नाम? सुशीला। सुशीला, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सुशीला। सुशीला, आपका नाम? शारदा। शारदा, आपका? भारती। आपका? सुनीता सपेरा। आप? आप आ जाओ, इधर आ जाओ। आप चार कालबेलियन डांसर हो? हाँ ठीक। जो चीज़ है कोई नहीं।